जय श्री राधे। जो श्री कृष्ण प्रेम को पाना चाहता है वह अपने सामने चार लक्ष्य रखकर चलता है। जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। कौन क्या कहता है इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती। वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यताओं की ओर से मुंह मोड़कर प्रभु में रम जाता है। प्रियतम के नाम, रूप, लीला, धाम, इन चार चीजों के अंदर अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखें। लीला सुनने के लिए मिले सुने, नहीं मिले तो पढ़ें, चिंतन करें, बस मन उन्हीं बातों में रमता रहे। श्री गोपी जनों के प्रेम की कैसी दशा होती है इसे लिखकर तो कोई बता ही नहीं सकता। जैसे बिजली का प्रकाश है, उसे देखकर जिसने कभी सूर्य के निर्मल प्रकाश को नहीं देखा है वह अनुमान ही नहीं कर सकता कि वह कितना निर्मल प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार आप जितनी बातें सुनते हैं उनके सुनकर वास्तविक श्री गोपी प्रेम का क्या रूप है यह ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं हो सकता। वह तो सूर्य की किरणों की तरह अत्यंत निर्मल प्रकाशमय वस्तु है, ज्ञान के परे की चीज है। उसे तो देखकर उनकी अनंत कृपा होने पर ही उसका यत किंचित स्वरूप समझा जा सकता है। हाँ, निरंतर प्रभु के चरणों में रो रोकर प्रार्थना करने से ही कुछ अनुभव में, कल्पना में आ सकता है। इसलिए भगवान की लीला को पढ़ें, सुनें, प्रार्थना करें, निरंतर भगवान से कृपा की भीख मांगते चले जाएं और जहाँ तक बने अब मन को प्रपंच के कामों से दूर रखने की चेष्टा करें। एकांत में बैठकर रोएं, श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठकर उनके सामने रोएं। सच्चा रोना न हो न सही, झूठा ही रोएं, जैसा भाव हो उसी को लेकर प्रभु के सामने रोएं और कहें, नाथ इस नीरस हृदय को सरस बनाओ, इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे भर दो। प्रभु अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा करो। निश्चय मानिए, बार बार की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। झूठी प्रार्थना को वे अपनी कृपा से सच्चा बना लेंगे। और मैं कहता हूं कि कुछ अभ्यास करना है तो प्रिय प्रियतम की लीलाओं का अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से कीजिए। पहला, कुंजों का नक्शा आपने देखा था, इसमें पहले श्री विशाखा जी का कुंज कहाँ है यह देखकर कुछ क्षण के लिए उस समूचे कुंज का चित्र बांधिए। फिर एक कदंब के वृक्ष की सुंदर से सुंदर कल्पना कीजिए। फिर उस वृक्ष की डालियों को देखिए, फिर उसमें लगे पत्ते को देखिए। कदंब के अत्यंत सुंदर फूल हैं। कदंब के फूलों पर झुंड के झुंड काले भंवरे मंडरा रहे हैं। कदंब की जड़ के नीचे उजला चमचम करता हुआ संगमरमर का गट्टा है। संगमरमर का गोलाकार गट्टा चारों ओर फैला हुआ है। उसी गोलाई का कुछ क्षण चिंतन कीजिए। अंदाज दो दो गज चारों ओर से चमचम कर रहा है। उसके नीचे की जमीन भी संगमरमर के फर्श की बनी हुई है, वह खूब चमक रही है। इसे देखें, फर्श के चारों ओर बेला के वृक्ष लगे हैं, उनमें बड़े बड़े फूल खिले हैं। फिर चमेली के वृक्ष हैं, चमेली में फूल लगे हैं। हरी हरी दूब की जमीन चारों ओर फैली है। उस पर कहीं स्थल कमल है, कहीं तगर, कहीं कुंद, चारों ओर हरी हरी झाड़ियाँ दिख रही हैं। गट्टे के सहारे श्रीमती राधा रानी बैठी हैं, नीली साड़ी पहने हुए हैं, हाथ में कंगन है, दोनों हाथों में कंगन है। इसके बाद अत्यंत सुंदर चूड़ियों को देखिए, इसके बाद भी एक अत्यंत सुंदर आभूषण है, बाह के पास भी सुंदर आभूषण है, पैर साड़ी से ढका हुआ है, मुखारविंद शोभा पा रहा है, सिर पर श्री जी के चंद्रिका है, चंद्रिका में मोती की झालर लटक रही है, ललाट पर सुंदर कुमकुम का गोल लाल बिंदु है, सिर के पास अंचल कुछ बाई ओर ऊपर चढ़ गया है, श्याम सुंदर उनकी दाहिनी ओर बैठे हैं, सिर पर मोर मुकुट है, बड़ा ही सुंदर मुख है,
इस झांकी को निहारिए, आंखें बड़े बड़ी हैं, उस सौंदर्य को निहारिए, आंखें नीचे की ओर हैं, इस लावण्य को निहारिए। अलकावली कुछ बिखरी हुई मुख पर आ गई है, दुपट्टा दोनों कंधों पर लटक रहा है, दोनों हाथों से एक तागे में फूल पिरो रहे हैं। श्री प्रिया जी भी दोनों हाथों से फूल पिरो रही हैं इस मनोहर दृश्य को। कहने का तात्पर्य यह है कि एक लाइन को पढ़कर उसमें क्या क्या चीज आई, यदि उन सब पर एक एक सेकंड भी मन रुककर उन्हें देख ले तो फिर छोटी लीला में भी 4-6 घंटे लग जाएं। अभ्यास करने से होता है, मेरी समझ में यही बात आती है, तथा समस्त शास्त्रों में एवं वैष्णव संतों के वचनों में यही बात मिलती है कि मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। और स्वयं भगवान ने जैसा कहा है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों को साथ साथ पूरी तत्परता से करने से ही काम बनता है। सच मानिए, इस ब्रज लीला में मन फंसाने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो एक के बाद एक इस प्रकार मन जहाँ जाए, कुछ भी सोचे, उसी इस पूर्णा के साथ ब्रज की किसी चीज को जोड़ देने से ही ध्यान होने लग जाता है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जो श्री कृष्ण प्रेम को पाना चाहता है वह अपने सामने 4 लक्ष्य रखकर चलता है जगत की।